हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोड सिक्योरिटी। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपकी उसको डेफिनेशन बताऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सपोज करें कि हमारे पास एक खाता है और वी हैव फोर पोर्ट्स इन द हब, ठीक है। अब हब आपको बताएं कि ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। मशीन ए है, अगर इसने मशीन बी से बात करनी है तो मशीन ए से ट्रैफिक जाएगी हब के पास और हब क्या कर देगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। हब इज अ डंब टर्मिनल, इसके ऊपर एक इंटरनल हैकर बैठा हुआ है और इस इंटरनल हैकर ने इस मशीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, स्निफर। अच्छा, व्हाट इज स्निफर? स्निफर इज अ सॉफ्टवेयर। जब आप इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे स्निफर को, तो स्निफर क्या करेगा कि आपके पीसी का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको प्रोमिस्कस मोड में ले जाएगा। कौन से मोड में ले जाएगा? प्रोमिस्कस मोड। और प्रोमिस्कस मोड के अंदर एवरी फ्रेम दैट कम्स टू द इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आपका जो पीसी है वो हर फ्रेम को जो कार्ड के ऊपर रिसीव हुआ है उसको क्या करने लग जाएगा, कैप्चर करने लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हब में जो है वो ब्रॉडकास्ट होती है, तो इफ मशीन ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद मशीन बी द ट्रैफिक विल कम्स टू द हब एंड हब विल ब्रॉडकास्ट ऑल कर। और ये जो स्निफर है मशीन डी पे जो हैकर है, ये स्निफर यूज करते हुए इट विल कैप्चर ऑल द ट्रैफिक ऑफ योर नेटवर्क, क्लियर। तो स्निफर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जब आप मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके मशीन के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रोमिस्कस मोड में ले आता है, और प्रोमिस्कस मोड में जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है तो वो हर ट्रैफिक को क्या करने लग जाता है, कैप्चर करने लग जाता है। एवरी फ्रेम दैट कम्स टू द मशीन, चाहे उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मशीन के मैक एड्रेस से मैच हो या ना हो, इट विल कैप्चर ऑल द ट्रैफिक। तो हैकर क्या करेगा, मजे से बैठ के पूरे लैन की ट्रैफिक को क्या कर रहा होगा, स्निफ कर रहा होगा इन केस ऑफ हब। अच्छा, इसी हब की जगह अगर मैं इस हब को रिप्लेस करता हूं स्विच के साथ, इस हब को अगर मैं स्विच के साथ रिप्लेस करता हूं तो क्या होगा इस केस में? सपोज करें ये इंटरनल हैकर है, इसने स्निफर इंस्टॉल किया हुआ है और ये जो इंटरनल हैकर है ये ए और बी के दरमियान जो कन्वर्सेशन है उसको कैप्चर करना चाहता है। तो हब की जगह अगर मैं स्विच लगा दूंगा तो क्या होगा कि मशीन ए, स्विच आपको पता है स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, तो होगा क्या, मशीन ए से ट्रैफिक जब स्विच के पास जाएगी तो स्विच डायरेक्टली इसको मशीन बी पर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो जब मशीन ए से फ्रेम स्विच के पास जाएगा, स्विच डायरेक्टली इसको मशीन बी पे फॉरवर्ड कर देगा, और हैकर जो मशीन डी पे स्निफर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए वो ए और बी के दरमियान जो प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रही है, हैकर विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट ट्रैफिक, ठीक है। हब के केस में ब्रॉडकास्ट हो रही है, हैकर इजीली विल कैप्चर द ट्रैफिक बिटवीन ए एंड बी, बट इन केस ऑफ स्विच हैकर विल बी अनएबल टू स्निफ द ट्रैफिक, क्योंकि स्विच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, अब हैकर कोशिश करेगा, हैकर विल ट्राई कि किसी तरह स्विच को फोर्स करें कि वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे। अगर आपको याद हो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि स्विच तीन सिनेरियोस में ब्रॉडकास्ट करता है, देयर आर थ्री सिनेरियोस इन विच स्विच विल ब्रॉडकास्ट द फ्रेम। कौन से सिनेरियो थे? सिनेरियो नंबर वन, कि अगर कोई फ्रेम स्विच के पास आता है उस फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच के मैक टेबल में नहीं होगा तो स्विच विल ब्रॉडकास्ट दैट फ्रेम, स्विच उस फ्रेम को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या था कि स्विच के पास एक फ्रेम आया
और उस फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है. ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या था? ऑल एफ इज ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस. तो जैसे ही ये फ्रेम स्विच के पास आएगा, स्विच उस फ्रेम को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट. ये सेकंड सिनेरियो है जिसमें स्विच जो है वो फ्रेम को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा. ठीक है. अच्छा, सिनेरियो नंबर एक तीसरा सिनेरियो भी है. मैंने आपको बताया था कि स्विच जो है, हर स्विच एक टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल. हर स्विच एक टेबल बनाता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल. अच्छा, मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है कि जो स्विच का मैक एड्रेस टेबल होता है उसका एक साइज होता है. जैसे सिस्को के जो पुरानी स्विचेस हैं 2960, अब 2960 सीरीज का जो स्विच है इट कैन टेक 8192 मैक एड्रेसेस. ये अपने मैक टेबल में 8000 प्लस मैक एड्रेस सेव कर सकता है. लेकिन अगर किसी भी वजह से स्विच की जो मैक एड्रेस सेव करने की कैपेसिटी है अगर वो ओवरवॉर्म्ड हो जाएगी, अगर इसका मैक टेबल फुल हो जाएगा, तो स्विच क्या करने लग जाएगा? ब्रॉडकास्ट करने. तो अगर स्विच है जिसका मैक टेबल एग्जॉस्ट हो गया, स्विच का मैक टेबल एग्जॉस्ट हो गया, स्विच के पास कोई फ्रेम आया तो स्विच ने उसको क्या कर देना है? ब्रॉडकास्ट करना. ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो है जिसमें स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट. तो हैकर क्या करेगा? हैकर ये कोशिश करेगा कि किसी तरह इस स्विच का मैक टेबल क्या कर दिया जाए? एग्जॉस्ट कर दिया जाए, ताकि स्विच हब बन जाए और हर फ्रेम को क्या करने लग जाए? ब्रॉडकास्ट करने लग जाए. अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर आता है मैक ऑफ. तो हैकर क्या करेगा, ये मैक ऑफ रन करेगा अपनी मशीन पर. ये मैक ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करता है? रेंडम मैक एड्रेस जनरेट करता है. ठीक है, ये मैक ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करता है? रेंडम मैक एड्रेस जनरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन कनेक्टेड है स्विच की FA04 पोर्ट के ऊपर. अब ये मशीन क्या करेगी? मैक एड्रेस जनरेट करती जाएगी और स्विच अपनी FA04 पोर्ट के ऊपर उन मैक एड्रेसेस को क्या करता जाएगा? लर्न करता जाएगा. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्विच कैन लर्न मल्टीपल मैक एड्रेस ऑन इट्स सिंगल पोर्ट. स्विच अपनी एक पोर्ट के ऊपर मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न कर सकता है. और ये जो मैक ऑफ सॉफ्टवेयर है इट विल जनरेट थाउजेंड्स ऑफ मैक एड्रेस इन मिनट्स. तो विद इन अ मिनट, विद इन अ टू मिनट आपके ये जो स्विच है इसका मैक टेबल एग्जॉस्ट कर जाएगा. जब आपके स्विच का मैक टेबल एग्जॉस्ट कर जाएगा और मशीन ए इथरनेट फ्रेम सेट करेगी और स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करेगा. जब स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करेगा तो हैकर जो है वो स्निफर सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपकी ए और बी की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसको कैप्चर करना शुरू कर देगा हैकर जो है. ऐसे अटैक्स जिसमें हैकर स्विच का मैक टेबल एग्जॉस्ट कर देते हैं बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर लाइक मैक ऑफ, इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको हम कहते हैं मैक फ्लडिंग अटैक्स. इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको कहते हैं मैक फ्लडिंग अटैक्स. नाउ कमिंग बैक टू पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी सिस्को स्विचेस के ऊपर एक ऐसा फीचर है जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपने स्विचेस को मैक फ्लडिंग अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. पोर्ट सिक्योरिटी इज अ फीचर थ्रू विच यू कैन प्रोटेक्ट योर स्विच फ्रॉम मैक फ्लडिंग अटैक्स. किस तरह? सवाल ये पैदा होता है पोर्ट सिक्योरिटी की मदद से व्हाट वी कैन डू, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि स्विच अपनी हर पोर्ट के ऊपर से फॉर एग्जांपल एक मैक एड्रेस लर्न करे. पोर्ट सिक्योरिटी से मैं आई कैन इंप्लीमेंट अ पॉलिसी ऑन द स्विच कि स्विच विल लर्न ओनली वन मैक एड्रेस पर पोर्ट. तो जब मैं ये पॉलिसी लगा दूंगा और ये जो मशीन डी है जो कि हैकर के यूज में है, ये मशीन पे हैकर जब मैक ऑफ सॉफ्टवेयर रन करेगा तो आपका स्विच मल्टीपल मैक एड्रेस को लर्न नहीं करेगा ड्यू टू द पोर्ट सिक्योरिटी. और हैकर
आपके स्विच का मैक केबल एग्जॉस्ट